तो जहां नए साल के मौके पर तोहफे मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी खबरें मिल रही हैं, तो वहीं इस बीच आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर नए साल के मौके पर नहीं है, क्योंकि नए साल पर इंडियन रेलवे का महंगाई का तोहफा लोगों को मिला है। इंडियन रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी कर लोगों को एक झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज से यात्री किराए में बढ़ोतरी हुई है और मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, तो एसी ट्रेन के किराए में 4 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो तोहफा दिया जा रहा है, लेकिन अगर नए साल के मौके पर आम लोगों की बात करें तो फिलहाल उन्हें ऐसा कोई तोहफा नहीं मिला, लेकिन हाँ झटका यहां पर जरूर मिल गया है जो कि रेलवे की तरफ से दिया गया है। तो इंडियन रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी कर लोगों को एक तकड़ा झटका दिया है। 1 जनवरी से ये किराया जो है लागू होगा, तो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको हालांकि इसका ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ेगा, उनके किराए में ज्यादा बढ़ोतरी का असर इस पर पड़ेगा। तो रेलवे ने 4 पैसे प्रति किलोमीटर तक यात्री किराए में बढ़ोतरी की है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी ट्रेन के किराए में 4 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। तो नए साल के मौके पर, नए दिन के मौके पर ये झटका आम लोगों को रेलवे की तरफ से यहां पर दिया गया है। महंगाई का यहां पर ये तोहफा, ये झटका लोगों को दिया गया है, लोगों की जेब यहां पर ढीली करने का तोहफा रेलवे की तरफ से। तो जितनी लंबी यात्रा होगी उतना लंबा आपका किराया, उतना बढ़ता हुआ आपका किराया आपको यहां पर देना होगा, चुकाना होगा। 4 पैसे प्रति किलोमीटर तक यात्री किराए में बढ़ोतरी की है, तो जैसे जैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी किराए के बढ़ोतरी का जो बोझ है वो भी बढ़ता चला जाएगा।